हाँ चेक करेंगे बस। आइए हमारा तो हमने इसको मारा ना पिटा ना कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ठीक था। क्योंकि पता नहीं कुछ दो चार दिन से कहने की हम ये यहाँ का मैं ये मैंने घर पे जाओ स्कूल से, हमने इसकी छुट्टी कर दी। मैं तो काम करना है जी, तो बच्चों रोटी तो खानी है, काम के तो रोटी खाने को मिलेगा, उनको भी खिलाना है। नहीं काम करना कोई घर थोड़ी देकर जाएगा। मैं नहीं खाना तो देके सुबह रोटी बना के जाता हूँ, दोपहर में शाम को खाना तो दिया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। बेटी अपनी कोई अच्छी है कि हाँ जानवर को भी इंसान रोटी पा देता है, दुनिया तो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा है कि नहीं। आपका सर आगे ठीक भी आँख में सर ये बता देते आँख ठीक है, परसों शाम को ठीक है, क्यों का ये बोलने की मैं आँख नींद दोनों नहीं दिखाई दिया चक्का ये बात। मैं तो इनको तैयारी कर रहे हैं सर, इनके पीछे तो काम ही कर रहे हैं, दोनों हैं भाई बहन है, बस हलवाई का काम कर रहे हैं। कोई तैयारी है कि समोसा मोसा बना रही है कोई सवाल नहीं। जैसे इसको देख के क्यों लगता है भी काफी दिनों से ये इसको खाना प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा, और ज्यादा ये है कि भी अभी इसने खुद ने खाना पीना शायद दो चार दिन से इसकी खुद की हिम्मत इतनी हुई भी खुद ही नहीं खा पी रहा। बाकी प्रॉपरली जो बैलेंस डाइट होती है वो शायद हो सकता है काफी महीनों से या कई दिन काफी मंथ्स हो गए जिसकी वजह से इसको नहीं मिल रहा प्रॉपरली। और जिस हिसाब से इसकी आंख की कंडीशन है, शारीरिक जो इसकी कंडीशन है, उसको देख के लगता है वाकई ये 1 to 2 ईयर का टाइम होगा जिस दौरान से इसको किसी भी तरह की जो हमारी बैलेंस डाइट है वो मिल नहीं रही इसको। और जिस कंडीशन में ये आई है बिल्कुल सबकॉन्शियस स्टेट में और हाईली इरिटेबल, और जैसे अगर देखें पल्स भी पुअर थी, बिल्कुल मालनिस्ट, मसल एट्रोफी हो चुकी है, और सबसे बड़ा बड़ा रेयरली देखने को मिलता है कि जो इसका कॉर्निया है वो मेल्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो इसको पहले तो जो बड़ा शुक्रगुजार अपने जो अपने शहर के अंदर जैसे नारायण सेवा समिति राजू जी और ये सब इसको लेके आए इतनी हिम्मत से होगी, और SDM मैडम जो है हमारे बड़े एक्टिव है उनकी तरफ से इतना बड़ा सहयोग था कि तुरंत उनका फोन आया और ये इतनी जल्दी लेके आए, बड़ा ये सराहनीय कार्य था। और इमिडिएटली उन्होंने मेरे को फोन किया, मैं पहुंच गया वहाँ पे, जाके देखा तो बड़ा हैरानी होती है कि किस जमाने में किस तरह के समय मिलते हैं। तो अब पता नहीं नेग्लेक्टेड चाइल्ड था कैसे था, भी लड़की होने के नाते इसको प्रॉपर फीड नहीं दी जा रही थी, या घर वाले इसको समझ नहीं पाए, या क्या रहा। हमारे सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं, और अब वो शहर के अंदर तो जैसे नारायण बालाजी, रॉबिनहुड आर्मी, सारे भी खाने की तो यहाँ कमी हो ही नहीं सकती। अगर कोई पड़ोसी को भी बता दे तो वो भी इनको अच्छा खाना दे सकता था, भी हाँ लड़की है चलो हम इसके लिए कुछ भी कर सकते। तो अब जो है सरकारी अस्पताल में एडमिट है और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आईज के लिए भी नारायण सेवा समिति राजवीत राय और इनके जो मित्र हैं वो इसको दिखा के लाए, तो डॉक्टर श्याम दुर्विजय जी को दिखाया, उन्होंने बड़े अच्छे से वहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके उन्होंने बताया कि दो चार दिन इसको स्टेबल करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो एक बार उनको दिखा के आगे भेजना होगा तो फिर इसको आईज के लिए भेजना पड़ सकता है, बाकी चीजें यही इसको प्रोवाइड करवा देंगे। ये बच्चा है जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, जिसमें कि बच्चे में काफी टाइम से उसको खाना नहीं दिया गया है, जिसके कारण बॉडी की जो प्रोटीन है वो पेट लेता है, इस कारण से जो बॉडी के ऑर्गन हैं जैसे स्पेशली जो आँख है, आँख का जो कॉर्निया है वो डेलिकेट ऑर्गन होता है, जिसमें कि हम पहले ड्राइनेस स्टार्ट होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती, जो कॉर्निया है गलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो है कॉर्निया लास्ट स्टेज में है, इसकी मेल्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अब ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे जितना उसका हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम लोगों से ये अनुरोध करेंगे ऐसा कभी भी अपनी बच्ची साथ ऐसा न करें, बच्ची भगवान का दें रूप है, उसकी केयर करें। तो इसके फादर जो इसके साथ है, हमने उसको काफ़ी डांटा है, उसको ये अश्योर किया है कि कभी भी इसको जरूरत पड़े ट्रीटमेंट के हम इसको फ्री कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अंदर ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा पर एक टाइम लगेगा, इसके अंदर जो मान लो जो पूरा कॉर्निया मेल्ट हो चुका है तो उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जो कि सर्जिकल काम है, थोड़ा काम बड़ा हो गया है, वो करने के बाद में चांसेस है, पर यह कि इट्स नॉट इजी जॉब, डिफिकल्ट काम है,
और टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा खर्चा भी आता है इसके अंदर। तो हम ऐसा चाहेंगे कि किसी बच्चे से ऐसा काम नहीं हो ताकि जो इसकी जरूरत पड़े, तो सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही के कारण इस बच्चे की आंख जा सकती है। धन्यवाद। बच्ची हुन ये फादर को रहन दे योग नहीं है, क्योंकि फादर ने इस बच्ची दी हालत बहुत माड़ी कर दी है। असीं चाहांगे इहनूं किसी भी सरकारी होम दे विच या कोई भी आश्रम दे बच्चे नूं छड्या जावे। जो तक इहदी कंडीशन ठीक नहीं हुंदी उदों तक असीं भी रल के इहदा सहयोग करांगे और इहदी अखां दी रोशनी बारे भी प्रोपर केयर करांगे और इहदी डाइट बारे, शरीर बारे। इहदा लम्मा ट्रीटमेंट चलेगा, उस तों बाद प्रशासन चाहांगे वधिया जगह ते। सर सानू तां मैसेज आया सी कि पहले पता लग्गिया कि उत्थे इक लेडीज़ ने अपने कोले, उहनां तों पता लग्गिया कि लड़की दी हालत काफ़ी खराब है। फिर उन्हां ने अपने मतलब जेठ जी नूं कहा कि लड़की इस तरह बीमार चल रही है। उन्हां ने किसी अपने पड़ोस से अशोक गर्ग हैगे ने, पहले पत्रकार लाइन च सी, उन्हें मैनूं मैसेज पाया कि इस तरह लड़की है, मर रही है, काफ़ी बीमार है, बहुत बुरा हाल है उनका। मतलब कि उनके वाल भी जा रहे ने, अखा उनकी बंद हो रही, उन्होंने अखा तो दिस नहीं रहा। मतलब कि कंडीशन इन्नी माड़ी है कि शायद अज रात भी ना कट्टे। फिर मैं काफ़ी उत दोस्तों नाल गलबात की, जिवें मेरे पड़ोस से कुछ दुकानदार से उन्होंने गलबात की। मैं क्या आप उस लड़की को बचाया जाए, सानू कुछ समझ नहीं आ रहा। असं इन्हें को गए, इन्हें लड़की के पापा को गए, ये सानू कहन लग्या मेरी लड़की है, तुसीं इन्हें तो की लेना, मैं उन्होंने मतलब कि नहीं ले जान देना। उन्हें सानू हाथ नहीं लान दिता लड़की को, असं क्या असं इलाज करवा दें, जो खर्चा आएगा असं करांगे। वो बिल्कुल भी इन्हें विच सहमत नहीं सी साडे नाल। फिर असं राजू चौराहे नर सेवा नारायण सेवा के प्रधान ने उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, असी क्या इस तरह प्रधान जी गल है, तो वह कहते कोई नहीं, तुसी जो मकान मालक है पहला उन्होंने गल करो। फिर असी मकान मालक के घर गए, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, वो साढ़े को आए, तो फिर असी चौराहे साहब ने सानू कहा तुसी लड़की नूं लो, कोई गल नहीं, होस्पिटल लो, आपां उहदा इलाज करवाने हैं अगे होके। फिर उनके पापा पहले तो एक बार ताला लगा के अपने मकान में ताला लगा के चला गया, फिर वो वापस आ गया। फिर वो सानू कहन लग्या कि कोई गल नहीं तुसी, फिर उन्हें सानू कहा कि तुसी कोई गल नहीं दवाई दवाओ तो इनू घर छड़ देना। असी उन्होंने कहा चलो कोई नहीं तुसी साडे नाल आओ। असी लड़की नू बाइक ते बिठाया ते होस्पिटल ले आए, अगों उनके पापा नू भी नाल लैके होस्पिटल आ गए। उत्थे नर सेवा नारायण सेवा के प्रधान साढ़े तो पहला पहुँच चुके सी, फिर उन्होंने नाल दी नाल डॉक्टर साहब राम जी ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो लड़की नू काफ़ी उस तो बाद नाल दी नाल ही उस टाइम होस्पिटल दे विच आ गए। टाइम उस टाइम 10:30 का टाइम सी, उन्होंने आके उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। हुण कल नाल तो काफ़ी फर्क आई, कल तो इस तरह लग रहा सी मतलब कि लड़की नहीं बच पाएगी। कल उन्होंने ब्लड लेना चाहिए सैंपल लिए, ब्लड नहीं निकल रहा सी, उनकी लत्त चो ब्लड लैन की कोशिश की, बाजू चो ब्लड लैन की कोशिश की, दोनों पासों भी ब्लड नहीं आ रहा सी। राती भी उन्हें कुछ उस तो बाद काफ़ी टाइम बाद थोड़ी जी दाल ते फुलका लिया, अज भी उन्हें खाना लिया। डॉक्टर तो कहते जी उन्हों की अख तो लगभग दोनों डेड हो चुकी है, पुरनिया खत्म हो चुकी। हाँ जी गेट खोल, मिनट बाद खिड़कियां खोल दे। बोलो कोर्ट में चेंज करते हो।
अपना भी खाना। बट मैं भी ऐसे रविंद्र भेज दी क्या? भेज रहा हूँ।